हेलो फ्रेंड्स, रियल क्विक एनालिसिस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के रियल क्विक एनालिसिस की। आज के पॉजिटिविटी पार्टनर हैं श्रीकांत मराठे जी। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिस कारण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी बैकग्राउंड में विकल्प के रूप में उभर रही है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन एनर्जी स्टोरेज का एक और बेहतर विकल्प है एल्यूमिनियम एयर बैटरी, जिसके भारत में उत्पादन के लिए पिछले साल फरवरी महीने में हुआ था इसराइल की फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट। शायद आपको याद हो, मेटल एयर बैटरी बनाने में फिनर्जी को दक्षता प्राप्त है और इस एग्रीमेंट पर काम करते हुए पिछले साल सितंबर महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीनियर अधिकारी के अनुसार उन्होंने इंडियन ऑटो कंपनियों से बातचीत चालू कर दी है और इन बैटरी का प्रोडक्शन चेन्नई और पुणे जैसी ऑटो हब्स के पास किया जाने की योजना है। हाल ही में इसराइल में भारतीय राजदूत ने इसराइल की फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट की समीक्षा की और अब यह पता चल रहा है कि इंडियन कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड ने भी फिनर्जी के साथ पार्टनरशिप कर ली है और महिंद्रा इलेक्ट्रिक भी इस एल्यूमिनियम एयर बैटरी के इस्तेमाल करने पर राजी हो गई है। फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक के लिए स्पेशल मेटल एयर बैटरी प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसकी टेस्टिंग अभी थ्री व्हीलर ट्रियो पर चल रही है। उम्मीद है जल्द ही महिंद्रा ट्रियो पर एल्यूमिनियम एयर बैटरी की टेस्टिंग के रिजल्ट सामने आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले साल फरवरी में जो एग्रीमेंट हुआ था वह कोई जुमला नहीं था, उस पर काम बराबर चालू है। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में काफी लंबी समय लगता है, इसलिए हमें यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि जादुई छड़ी घुमाने से सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस हम आपके पास पहुंचाते रहें और आपसे जुड़े रह सकें। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको भी याद होगा, एल्यूमिनियम एयर बैटरी ना सिर्फ हल्की बल्कि सस्ती भी होती है। साथ ही साथ जहां लिथियम आयन बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, वहीं एल्यूमिनियम एयर बैटरी सिस्टम को 5 मिनट में रिफिल या रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब इनके लिए स्पेशल चार्जिंग नेटवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत को दुनिया के टॉप 5 एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में गिना जाता है। मतलब लिथियम की तरह एल्यूमिनियम की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। पॉइंट सिंपल है, लिथियम आयन बैटरी की तरह एल्यूमिनियम एयर बैटरी के लिए हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, चूंकि हम लिथियम आयन बैटरी मुख्य रूप से चीन से इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए जहां लिथियम आयन बैटरी कच्चे तेल के लिए खाड़ी के देशों पर हमारी निर्भरता को सिर्फ चीन के ऊपर ट्रांसफर कर रही थी, वही एल्यूमिनियम एयर बैटरी में क्षमता है कि वह हमें सही मायने में आत्मनिर्भर बना सकती है। हाल फिलहाल कर्नाटक में लिथियम के भंडारों का पता लगा है। दुनिया भर में लिथियम के भंडार भारत के लिए सुरक्षित करना, भारत में लिथियम रिफाइनरी सेटअप करना और लिथियम बैटरी के लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोरेज के लिए कई विकल्प होने चाहिए। इसलिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी जैसे बेहतरीन विकल्प की टेस्टिंग चालू होना हमारे लिए एक सुखद घटनाक्रम होना चाहिए। यहाँ पर रिकॉल करना जरूरी है कि जून 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए, तब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने फिनर्जी के साथ पहले एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिससे सिद्ध हो जाता है कि IOC और फिनर्जी के बीच जो समझौता हुआ है उसे इसराइल और भारत दोनों देशों की सरकारों का पूरा समर्थन प्राप्त है और आज भी मोदी सरकार बराबर इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो कर रही है, तभी तो आज कागजों की बातें जमीन पर उतरने लगी हैं। अंत में इस वीडियो के स्पॉन्सर श्रीकांत मराठे जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद।